नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू द रिव्यू पार्ट ऑफ इट्स ए कैडी टॉक शो, जहां हम देते हैं सबसे सटीक टू द पॉइंट रिव्यू। आज हम बात करेंगे अमेजन प्राइम पे रिलीज हुई मिर्जापुर 2 की। रिव्यू के साथ एक रिक्वेस्ट भी यहां पे करना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इट्स ए कैडी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे बेल आइकन को प्रेस करते हुए अभी तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, कई सीरीज़ ऐसी होती है जो इतिहास में अपने नाम की चमक कुछ यूं छोड़ जाती है कि जब भी कभी वेब सीरीज़ की चर्चा होती है तो इनका नाम सबसे ऊपर रहता है। अमेज़न प्राइम के मिर्ज़ापुर और नेटफ्लिक्स की सेक्रेट गेम्स क्राइम की दुनिया की ऐसी ही दो कहानियां थी कि जिसने भी इन्हें देखा था उस वक्त वो शायद ही कई महीनों तक इसे अपने जहन से उतार पाया होगा। 2018 में आई मिर्ज़ापुर की जबरदस्त सफलता के बाद से ही सीजन 2 की मांग और उसके चर्चे शुरू हो गए थे और अब एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली अमेज़न प्राइम फिर से लेकर आया है मिर्ज़ापुर सीजन 2। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि सीजन 1 जब इतनी शोहरत हासिल कर लेता है तब फैंस के दिल में बैठी उस हाई एक्सपेक्टेशंस को बनाए रखने के साथ साथ सीजन 2 लाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। और जब ये इंतजार 2 साल का हो तब तो ये एक्सपेक्टेशंस वाली चिड़िया आसमान छूने लग जाती है। और इसलिए ही अमेज़न प्राइम ने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि कहीं भी आप सीजन 2 को अलग सा महसूस ना करें। इसलिए कुछ दिनों पहले 6 मिनट का रिकैप वीडियो रिलीज किया, फिर सारे एक्टर्स का सीजन 1 का उनका एक सफरनामा पेश किया और सीजन 2 में भी फर्स्ट एपिसोड में कुछ मिनट्स का एक रिकैप दिखाते हुए कहानी को बड़े अच्छे तरीके से वहीं से आगे बढ़ाया जहाँ उसका अंत हुआ था। अब बात करें मिर्ज़ापुर सीजन 2 की तो इसमें कुल 10 एपिसोड हैं और सारे ही एपिसोड करीबन 40 मिनट से 1 घंटे के बीच के हैं। इसलिए अगर आपको पूरी सीरीज एक ही बार में देखनी है तो आपको लगभग 9 घंटे के आसपास समय देना पड़ेगा। मिर्ज़ापुर के दूसरे सीजन में गुड्डू पंडित उस जख्मी शेर की तरह है जो इंतकाम की आग में जल रहा है, अब उसे बदला और मिर्ज़ापुर की गद्दी दोनों चाहिए। इसी तरह गोलू को भी अपने प्रेमी और भाई का बदला चाहिए। एक दूसरे का सहारा बनकर दोनों तैयारी करते हैं एक बड़े धमाके की। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है क्योंकि इस बार एंट्री कुछ नए किरदारों की भी है। जौनपुर के रति शुक्ला के बेटे शरद शुक्ला और बिहार में अपने व्यापार का सिक्का जमाए त्यागी खानदान, वे भी इस रेस में शामिल हो जाते हैं। वहीं कालीन भैया के ज्ञान और सीख से अपने आप को बिजनेस में पूरी तरह से मैच्योर करने में लगे हुए हैं मुन्ना त्रिपाठी। तो कुल मिला के सबका डेस्टिनेशन एक ही है, मिर्ज़ापुर की गद्दी। अब इस गद्दी तक कौन पहुंच पाता है, किसकी खून की बलि चढ़ती है और कितना भौकाल मचता है, यही सब आपको देखने मिलेगा मिर्ज़ापुर 2 में। और इन सबसे ऊपर है ऊंचाई को और ऊपर ले जाते हुए मिर्ज़ापुर के असली किंग यानी कालीन भैया, जो राजनीति के सहारे अपनी ताकत को और मजबूत करने में यहाँ पे लगे हुए हैं। डायरेक्शन की बात करें तो मिर्ज़ापुर 2 को अपने पहले सीजन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवांस और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की गई है। बैकग्राउंड और थीम म्यूजिक पहले से भी ज्यादा पावरफुल है तो लाइट्स एंड साउंड इफेक्ट्स का भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है जो सीजन 1 में थोड़ा सा कम था। वाराणसी और लखनऊ के कई एक्चुअल शूटिंग लोकेशंस का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। यूपी के सड़क, हाईवे, महल और कोठी को इन सब में इतनी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि एक वास्तविक माहौल की पिक्चर पूरी तरह से आपके सामने क्रिएट हो जाती है। हालांकि याद रहे ऐसे डायलॉग्स यहाँ पे कम ही हैं, लेकिन कई जगह वन लाइनर्स और पंच का ऐसा इस्तेमाल किया गया है जो आपको हंसने पे मजबूर कर देगा, खासकर मुन्ना त्रिपाठी के मुंह से निकले हुए नेचुरल डायलॉग्स। इस बार मेकर्स ने नारी शक्ति पर भी बहुत ही अच्छा फोकस किया है, चाहे वो बदले की आग में जलती गोलू हो या त्रिपाठी खंडन की बहू बीना, सबको बराबर स्क्रीन पेस दिया भी है और कहानी में पूरा इफेक्ट ये डालते भी हैं। लेकिन कहानी की असली जान तो मुन्ना और गुड्डू ही हैं और दोनों ने यहाँ अपने आप को और बेहतर बताने की पूरी कोशिश की है। जब जब मुन्ना यानी दिव्येंदु शर्मा स्क्रीन पर आते हैं तब तब हास्य से एक रोशनी सी फैल जाती है। वह एक खलनायक जरूर हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर का वो बचपने वाला कैरेक्टर कई ऐसे अपशब्दों वाले ह्यूमरस वन लाइनर निकालता है जो सुन के आप अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो बार बार स्क्रीन पर सामने आए। पहले सीजन से बिल्कुल विपरीत गुड्डू यानी अली फैजल ने यहाँ अपने आप को एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में प्रस्तुत किया है। बबलू की कमी के चलते पूरा जिम्मा अब उनके कंधे पे था और यहाँ उन्होंने उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाया भी है। हालांकि दो भाइयों की नोकझोंक, पावर और दिमाग का कॉम्बिनेशन जो आपने सीजन 1 में देखा था वो आप यहाँ थोड़ा सा मिस जरूर करेंगे और यही वजह है कि सीजन 2 में विक्रांत मैसे के ना होते हुए भी उनकी कमी यहाँ पर जरूर महसूस होती है, हमें भी और उनके भाई गुड्डू पंडित को भी। और यही
सारे इमोशंस गुड्डू ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी एक्टिंग के दम पे यहाँ पे दिखाए भी हैं। पहले सीजन में वॉयलेंस से बिल्कुल दूर रहने वाली गोलू यानी श्वेता त्रिपाठी यहाँ बिल्कुल नए अंदाज में बंदूकों और गन्स के साथ नजर आई है। प्रियांशु पेंडुली जैसे टैलेंटेड कलाकार को मिर्जापुर का हिस्सा बनते देख बहुत ही अच्छा लगता है। त्यागी के रूप में विजय वर्मा ने यहाँ पे एक बार फिर से अपने आप को साबित किया है। सीजन वन में छोटे लेकिन यहाँ पर एक अच्छे किरदार में नजर आए आसिफ खान ने भी बहुत ही प्रभावित किया है। सबने कहानी को कहीं भी बिल्कुल भी फीका पड़ने नहीं दिया। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो पहला सीजन खत्म होने के बाद से ही दर्शक इस बारे में तो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि दूसरा सीजन गुड्डू पंडित के बदले की कहानी होगा, और इसलिए ही मेकर्स के लिए बड़ी चुनौती थी कि जिस चीज के बारे में दर्शक पहले ही काफी कुछ अंदाजा लगा बैठे हैं उसे कैसे कुछ नए ढंग से पेश किया जाए। इसलिए ही शुरू की 3-4 एपिसोड्स में बदले की कहानी जो पेस पकड़ती है वो बीच के एपिसोड्स में कुछ अलग दिखाने के चक्कर में थोड़ी सी फीकी दिखाई देती है। नए किरदारों की कहानी हो सकता है आपको थोड़ा मेन प्लॉट से अलग भी ले जाए, लेकिन फिर भी मिर्जापुर की फील से आप यहाँ अलग नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात एक ये भी है कि डायलॉग्स जितने अच्छे हैं स्टोरी और क्लाइमैक्स उतने ही फ्लैट हैं। एक दमदार क्लाइमैक्स और कहानी में थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स होते तो कहानी और रोमांचक बन सकती थी। वैसे अगर आप सीजन 2 के अपने इंतजार को वर्थ वॉचिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि इसे सीजन 1 से कंपेयर करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कंपेयर करने में लग गए तो सीजन 2 में सिर्फ कमियां ही निकालते रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सीजन 1 एकदम नया और फ्रेश कंटेंट था, एक नई सीरीज थी जो नए कैरेक्टर्स के साथ आपके सामने पेश हुई थी, और सीजन 2 में कुछ चीजें आपको पहले से ही पता है, ट्रेलर देख के स्टोरी का आइडिया भी थोड़ा बहुत लग ही गया है। इसलिए अगर आप कंपेयर करने के मन से देखेंगे तो कहीं ना कहीं फीका जरूर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो वीकेंड के लिए एक जबरदस्त मसाला आपके लिए तैयार है जो किसी भी कंडीशन पे मिस करना नहीं बनता है, खासकर अगर आप 2 साल से इसका वेट कर रहे हो। थोड़ी फ्लैट स्टोरी और क्लाइमैक्स के चलते वो सीजन 1 वाला जादू थोड़ा कम जरूर मिलेगा, लेकिन दमदार डायलॉग्स, पावर पैक एक्टिंग परफॉर्मेंस और बेहतरीन साउंड इफेक्ट्स आपको इस सीरीज का मजा जरूर देगा। तो इट्स ए कैडी टॉक शो की तरफ से मिर्जापुर 2 को 5 में से 3.5 स्टार। आप हमारे पेज इट्स ए कैडी टॉक शो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए इट्स ए कैडी टॉक शो।